औराबाद गुर्जर आरक्षण आंदोलन मामले की 16 घंटे की वार्ता के बाद आज सरकार और गुर्जरों के बीच समझौता हो गया और इस वार्ता में 16 बिंदुओं पर लिखित सहमति बनी है। वार्ता के मुताबिक देवनारायण योजना में 1,000 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। रोहिणी कमेटी ओबीसी का वर्गीकरण करेगी और 4 जून को राज्य पिछड़ा आयोग को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। इसके अलावा समझौते की पालना के लिए नोडल भी बनाया जाएगा। दो दौर की वार्ता के बाद गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला ने आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब 23 मई को शहीद सभा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि गुर्जर नेता रामवीर सिंह विधोड़ी इस समझौते से संतुष्ट नजर नहीं आए। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में उन्होंने इसे राजनीतिक समझौता करार दिया। माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा बनाई गई मंत्रिमंडल उप समिति के बीच में दो दौर की वार्ता जो लगभग 10 घंटे चली, वार्ता के पश्चात 16 सूत्रीय मांग पत्र पर मंत्रिमंडलीय उप समिति ने सहमति व्यक्त की है, जिस पर गुर्जर आरक्षण समिति के नेता कर्नल करोड़ी सिंह जी भैंसला ने अपने प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित किया है। इस बार जो हमने समझौता किया है, हर मांग पर राज्य सरकार ने समय सीमा निर्धारित की है। निश्चित समय सीमा के अंदर हम उन मांगों के बारे में राज्य आदेश जारी करेंगे। मंत्री महोदयों की और मेरे डेलीगेशन की मीटिंग हुई, मीटिंग बहुत अच्छे वातावरण में हुई और सारे पॉइंट डिस्कस किए गए। मुझे एक ही चीज़ का संतुष्टि है कि मुझे मेरा हक सही समय पर मिलेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। रही अन्य सुविधाओं की बात, आपने काफ़ी सुविधाएँ दी हैं, बहुत अच्छी सुविधाएँ दी हैं और मैं आपको वायदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ माई कलीग्स दैट वील अवॉइड विद व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। रोहिणी आयोग का गठन किया गया है जो शीघ्र अपनी रिपोर्ट देगा। रोहिणी आयोग द्वारा 4 जून 2018 को राजस्थान सहित मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया है। रोहिणी आयोग द्वारा अति पिछड़ा वर्ग के संबंध में दी जाने वाली रिपोर्ट में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले निर्णय के संबंध में राज्य सरकार आवश्यक अध्ययन कर तस्मय निर्णय सुनिश्चित करेगी।